बिस्मिल्लाह। बिजनेस में डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट यूज होते हैं, जिसमें MSA, SLA, NDA, SOW। तो ये राहुल कुमार सिंह साहब का क्वेश्चन है, इन्होंने 2-3 दफा कमेंट्स में मेंशन किया कि जी इनका जरूर बता दें मुझे। तो ये जो डिफरेंट एग्रीमेंट है MSA, SLA, NDA, SOW, तो इसका मतलब है MSA होता है मास्टर सर्विस एग्रीमेंट। मास्टर सर्विस एग्रीमेंट दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के दरमियान हो सकता है, लेकिन इसमें बस थोड़ी बड़ी बड़ी कुछ कंडीशंस डिसाइड होती हैं। मतलब डिटेल में जो माइनर किस्म के ऑप्शंस होती हैं उनको डिस्कस नहीं किया जाता। इसको आप इस तरह से समझें कि जैसे KFC है, मैकडोनल्ड है, या कोई और बड़ी कंपनी है जिसने आगे फ्रेंचाइज को अलाउ करना है सेल करना है, या डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउ करना है कि आप हमारी सेल करें अपने एरिए में, तो वो इस तरह की कोई भी कंडीशन एग्रीमेंट में नहीं रखेगी कि आप कितने एम्प्लॉई रखेंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, आप क्लीनिंग कब करेंगे, ये मतलब जो माइनर किस्म की चीज़ें हैं वो एग्रीमेंट में नहीं लिखेगी। वो ये लिखेगी कि आपने हमारी प्रोडक्ट को सेल करना है, इस टाइम के ऊपर आपने पेमेंट करनी है, इतना परसेंटेज हमारा होगा, इतना आपका होगा, और आपने मंथली या एनुअली हमें इतना बिजनेस देना है। अगर इससे कम बिजनेस होगा तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। तो सेल जनरेट करना आपका काम है। तो मोटी मोटी कुछ चीज़ें वो डिसाइड करेंगे, और बाकी उस बिजनेस को वो किस तरह से रन करते हैं ये उस पार्टी के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि आपने हमें इस टारगेट को मीट करना है। हमें नहीं पता कि आप इसके लिए क्या एफर्ट्स करते हैं, या हमारा इस सिलसिले में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमें जो गर्ज है वो इन चीज़ों से है। उन चीज़ों में अगर ये कोई फूड कंपनी है तो हो सकता है वो कोई क्लीनिंग हाइजीन रिलेटेड भी एक्टिविटी मेंशन कर दे कि आपने इस तरह की क्लीनिंग रखनी है, इस तरह का यूनिफॉर्म रखना है। लेकिन जो भी वो कंडीशन होगी वो कुछ सिलेक्टेड बड़ी बड़ी कंडीशन होंगी कि आपने ये चीज़ें करनी है, बाकी जो भी करना है वो आप खुद डिसाइड कर लें, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता। तो ये मास्टर सर्विस एग्रीमेंट है कि जो दो पार्टी या दो से ज़्यादा के दरमियान हो सकता है, और उसमें बस कुछ बड़ी कंडीशन को डिस्कस किया जाता है, बाकी पार्टी पे छोड़ दिया जाता है। दूसरा है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट दो पार्टियों के दरमियान, जो सर्विस लेना चाहता है और जो सर्विस देना चाहता है, उनके दरमियान होगा। अब सर्विस लेवल एग्रीमेंट में बिल्कुल मन्यूट छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐड किया जाता है, क्योंकि आपने सर्विसेज लेनी है। जैसे आपने जेनिटोरियल सर्विसेज लेनी है कोई क्लीनिंग के रिलेटेड किसी बिल्डिंग में, जैसे आपने गार्ड की सर्विस लेनी है कि जी आप सिक्योरिटी के लिए हमें गार्ड प्रोवाइड करें कंपनी को, या आपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस से कुछ सर्विसेज लेनी है, या किसी कंसल्टेंट से, आपने डॉक्टर से, वकील से कुछ सर्विसेज लेनी है, या कोई भी सर्विसेज जो आपकी कंपनी हायर कर रही है, तो उस सर्विसेज के लिए फिर छोटी से छोटी चीज़ को भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन किया जाएगा। अगर आप उन छोटी छोटी चीज़ों को भी मतलब उनको ओवरसाइट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप जेनिटोरियल कंपनी से एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि हमें क्लीनिंग चाहिए, हमें बस जब भी हम जाएं तो क्लीन हो, तो अब ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप ये नहीं लिखते कि कितने इंटरवल से क्लीनिंग हो, या जब क्लीनिंग हो तो उसमें कौन से केमिकल यूज़ हो, वॉशरूम कितनी दफ़ा क्लीन हो, और क्या वो सादा पानी से क्लीन कर दे या कि उसके अंदर कोई टॉयलेट क्लीनर वगैरह यूज़ करे या कोई और सर्फेक्टेंट यूज़ करे। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे तो वो सर्विस जब स्टार्ट होगी तो वो पानी फेंकेगा, उसको साफ़ कर देगा, कहेगा जी मैंने तो साफ़ कर दिया, या दिन में दो दफ़ा करेगा और आप कहेंगे कि यार ये तो फिर गंदा है, वो कहेगा जी मैंने दो दफ़ा कर दिया है। तो इस तरह से आपका जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होगा वो फ्लॉप हो जाएगा, उसमें वो सर्विसेज आप नहीं ले सकेंगे जो डिज़ायर्ड होंगी। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट में हर छोटी से छोटी चीज़ आप शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब जो आपका सर्विस लेने का टाइम है कि जी सुबह 8 बजे ऑफिस शुरू होगा और शाम 5 बजे तक रहेगा, तो आप सुबह 6 या 6:30 या 7 से उसकी ड्यूटी स्टार्ट करेंगे और शाम को 6-7 बजे
उसका ऑफ टाइम रखेंगे कि जी ऑफिस स्टार्ट होने से पहले एक घंटा है और ऑफिस ख़त्म होने के बाद एक घंटे तक वो इन सारी इन्वायरमेंट को नीट क्लीन करेगा, और नीट क्लीन करने के लिए इस इंटरवल से वो ये एक्टिविटी करेगा और इस एक्टिविटी में ये चीज़ें यूज़ करेगा। तो जब ये सब चीज़ें या और जो जो आप चाहते हैं वो सब चीज़ें लिखी होंगी तो वो उसको फॉलो करेंगे। अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखते तो वो उसको स्किप कर देंगे कि ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, और वो कहेंगे जी आपने तो आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी निकालें, इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट मैक्सिमम जो माइनर डिटेल्स भी होती हैं वो भी उसमें ऐड की जाती हैं। नेक्स्ट है NDA। NDA होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को आप इस तरह से समझें कि मैं एक यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था सप्लाई चेन की, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के पेपर्स होते थे, जो एग्ज़ाम होते थे, उनकी चेकिंग आउटसोर्स थी कि जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके पेपर किसी कंपनी को भिजवाए जाते थे जो चेक करके मार्किंग करती थी। अब वो जो मार्किंग करती थी तो उसके लिए एक तो उसके साथ वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था कि जी आपने इस तरह से पेपर इस स्टैंडर्ड के तहत चेक करने हैं और इसकी मार्किंग करनी है, और एक उस कंपनी के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था कि आप जो इंफॉर्मेशन इन पेपर्स में होगी, जो मार्किंग होगी, वो किसी को बताएंगे नहीं, स्टूडेंट्स को नहीं बताएंगे या किसी थर्ड पार्टी को, ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के जो आप उस पार्टी को जिससे कर रहे हैं एग्रीमेंट उसको बाउंड कर देते हैं कि इस जिस चीज़ के ऊपर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि आपके और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान ही रहे, तो उसको उसमें जो एग्रीमेंट किया जाता है उसको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कहा जाता है, ताकि वो अगर इंफॉर्मेशन लीक होती है तो वो ये आपको पता है या उस पार्टी को पता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर इंफॉर्मेशन लीक होती है तो इस मीन के उसने इसको डिस्क्लोज किया है, या जो भी बाद में डिस्प्यूट में जाता है तो जो भी एविडेंस होगी उसकी बेस पे डिसीजन होगा। लेकिन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन किसी भी आप अपने से आगे किसी को प्रोवाइड नहीं करनी। SOW होता है स्टेटमेंट ऑफ वर्क। स्टेटमेंट ऑफ वर्क जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या घर बना रहे हैं तो आपका कंट्रैक्टर कहता है कि जी मैंने इसको 2 माह में मुकम्मल कर देना है, आप बेफिक्र रहें, ये हमारा जो एग्रीमेंट था प्राइस का ये तय हो गया, इतने रुपीज़ पर स्क्वायर फीट मैं चार्ज करूँगा, उसमें ये चीज़ें ऐड होंगी, ये सारा एग्रीमेंट हो गया, यानी कंस्ट्रक्शन का एक सेपरेट एग्रीमेंट उससे हो गया, आपने उसको ठेका दे दिया कि आप काम स्टार्ट करो। लेकिन उसके बाद आप उससे एक और एग्रीमेंट करते हैं जिसको स्टेटमेंट ऑफ वर्क कहते हैं SOW, कि उसने जो कमिटमेंट किया कि मैं इसको 2 माह में मुकम्मल कर दूंगा, तो जब आप SOW स्टेटमेंट ऑफ वर्क उससे ये एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि जी अगर ये 2 माह में जो इसकी कमिटमेंट है अगर ये काम मुकम्मल नहीं करता तो फिर इसको इतना फाइन होगा। तो अब अगर वो उस पीरियड में काम मुकम्मल नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आप उस एग्रीमेंट को कोर्ट में लेके जा सकते हैं, या वो आपको फाइन म्यूचुअली डिस्कशन पे कर देगा या कोर्ट जाके पे करेगा। तो ये एग्रीमेंट इसलिए होता है कि ताकि टाइम विद इन टाइम लिमिट आपका काम मुकम्मल हो जाए, और ये ऑफिस के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सप्लाई चेन का प्रोजेक्ट है कि जी हमने एक प्लांट मशीनरी जर्मनी से उठाना है, आप इसमें प्रोक्योरमेंट वाले भी शामिल हैं, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग भी शामिल हैं, वेयर हाउस वाले भी शामिल हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी शामिल है जिसने पेमेंट करनी है, तो ये 3-4 जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट शामिल होंगे तो वो एक SOW अपना प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, और उसको साइन करेंगे कि जी इस टाइम पे ये मशीनरी तैयार होगी, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक वाले इसका इस दिन से इस दिन तक अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद इसकी मूवमेंट होगी, फाइनेंस वाले जब तक ये आएगी इसकी ड्यूटी टैक्सेस वगैरह जो भी कस्टम क्लियरेंस है उसकी पेमेंटें और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस वो पे करेंगे और वो रेडी रखेंगे,
और प्रोक्योरमेंट स्टोर वाले इसकी लोडिंग अनलोडिंग सारी चीज़ें करेंगे। तो ये सारा शेड्यूल बना के ये लोग साइन करेंगे ताकि कोई भी बंदा अगर ये डिले होता है काम इसका किसी भी जगह पे तो उसको चेक किया जा सके, और फिर एज पर एग्रीमेंट नहीं होता तो जो भी प्रोसीजर वो होगा पनिशमेंट का तो वो किया जाए। तो इस तरह से सर्विस ऑफ एग्रीमेंट किसी जगह पे भी किया जा सकता है, जहाँ पर भी कुछ लोग ज्वाइंट वेंचर मिलके काम कर रहे हो, टीम वर्क हो, तो वहाँ पे भी ये किया जा सकता है कि हमने इस तरह से काम करना है, ये उसके पैरामीटर्स हैं, और इसको हम रिटर्न एक एग्रीमेंट बना के तो साइन कर लेते हैं कि किस किस बंदे ने क्या करना है और किस टाइम पे करना है। तो राहुल कुमार सिंह, इनका ये क्वेश्चन था, इन्होंने 2-3 दफ़ा मेंशन किया था कमेंट्स पे कि ये सर्विसेज जो डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट है ये क्या होते हैं। अब इन एग्रीमेंट को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे मतलब अगर कोई बंदा कहे कि अच्छा जी मुझे ज़रा इसका स्पेसिमन दे दें, ये MSA का स्पेसिमन अगर आपके पास है या SLA का स्पेसिमन है तो मैं इसको देख लूँ। तो जब भी नंबर एक तो जो परचेज ऑर्डर होता है वो बेसिकली एग्रीमेंट ही होता है, यानी परचेज ऑर्डर एक आपके लेटर हेड के ऊपर होता है जो कंपनी का ऊपर नाम पता लिखा होता है, तो इट मींस के ये कंपनी का लेटर पैड है। मतलब अगर कंप्यूटर से भी परचेज ऑर्डर निकलता है तो उसके ऊपर कंपनी का नाम पता एड्रेस फ़ोन नंबर सब लिखे होते हैं, नीचे प्रिपेयर्ड बाय साइन चेक बाय साइन बाय ऑथोराइज बाय इन सब के साइन होते हैं, तो ये एक एग्रीमेंट होता है। उसके बाद जो सप्लायर होता है आपका वेंडर, उसके साइन भी होते हैं कि जी आपने रिसीव किया है और साइन कर दें, डेट डाल दें। तो जब दो पार्टीज एक रिटर्न कुछ कंडीशन जो परचेज ऑर्डर के ऊपर लिखी होती हैं कि ये क्वांटिटी है, ये अमाउंट है, ये रेट है, ये प्रोडक्ट है, इस टाइम आप देनी है, ये डिलीवरी टाइम है और ये डिलीवरी एड्रेस है जहाँ पे आपने डिलीवर करना है, तो ये सब चीज़ें रिटर्न जब दो बंदे साइन करते हैं बायर सेलर सॉरी तो ये एग्रीमेंट होता है। अब सेम वर्डिंग जो परचेज ऑर्डर के ऊपर लिखी हुई होती है, अगर इसको आप जुडिशरी नॉन जुडिशियल पेपर जिसको स्टैम्प पेपर कहते हैं, अगर आप इसको स्टैम्प पेपर पे लिख देंगे तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। अदरवाइज जो परचेज ऑर्डर है जो कि स्टैम्प पेपर के ऊपर नहीं लिखा होता है कंपनी के लिए, तो वो भी एग्रीमेंट है, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा कोर्ट में, उसको भी उतना ही एक्सेप्ट किया जाएगा जितना कि किसी लीगल डॉक्यूमेंट को किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी साइन और स्टैम्प सारा कुछ लिखा होता है। लेकिन जो स्टैम्प पेपर के ऊपर होगा उसकी लीगल वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ एविडेंस भी नीचे लिखी होती हैं, दोनों पार्टीज के साइन होते हैं, दोनों की तरफ से एविडेंस होती हैं, और एक लीगल पेपर को लिख के रजिस्टर करवा लिया जाता है कि जी ये हमारा एग्रीमेंट है, तो वो ज़रा थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन हो जाती है। अदरवाइज दोनों को ही आप परचेज ऑर्डर भी एग्रीमेंट है, और अगर इसी को आप टर्म्स एंड कंडीशन सारी उठा के स्टैम्प पेपर पे लिखें तो वो भी आपका एग्रीमेंट है। और अब एग्रीमेंट कैसे किया जा सकता है कि जी क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखें, ऊपर क्या लिखें, नीचे क्या लिखें जमें, तो ये एक लीगल मैटर है। अगर आप मैंने जितनी भी कंपनीज में काम किया है तो मोस्टली जगहों पे एक लीगल डिपार्टमेंट होता था, जैसे एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, किसी जगह पे एक वकील को हायर करके डिपार्टमेंट बना लिया जाता है, किसी पे 2-3 होते हैं और ज़्यादा भी होता है, ये डिपेंड करता है कि कंपनी का काम कितना है कोर्ट के रिलेटेड। जैसे एक फूड इंडस्ट्री में था तो वहाँ पे 5-6 वकील थे जिनका ऑफिस था, मैं एक बस कंपनी में था तो वहाँ पे तो 10-12 थे, क्योंकि उनके रोज़ ही कोई ना कोई लीगल मैटर खड़ा हुआ होता था। जैसे फूड इंडस्ट्री में था कि जी वो कुछ जाली उसकी ब्रांड की चीज़ें बना के तो लोग सेल कर रहे हैं, तो उनके पीछे जाना, उनको पकड़ना, उनके ऊपर केस करना, ये उस लीगल डिपार्टमेंट का काम था, और उनकी एक्टिविटी चलती रहती थी। ऐसी तरह वो जो कोरियन कंपनी थी उसमें भी उनकी कोई 500-600 बसेस चलती थी, और वो कोई ना कोई डिस्प्यूट किसी ना किसी टर्मिनल पे रोज़ ही खड़ा हुआ होता था, तो उसके लिए वो उन वकीलों की भाग दौड़ लग रही थी, तो एक पूरा लीगल डिपार्टमेंट था। ऐसी एक यूनिवर्सिटी में मैं था तो वहाँ पे भी एक लीगल डिपार्टमेंट था, एक छोटी कंपनी थी, वहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने
आउटसोर्स की हुई थी सर्विसेज, किसी लायर को हायर किया हुआ था कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे मदद ले लेंगे। तो या तो हर कंपनी का अपना लीगल डिपार्टमेंट होता है या फिर उन्होंने सर्विसेज हायर की होती हैं कहीं से पार्ट टाइम कि जब हमें ज़रूरत होगी तो आप मंथली हम आपको इतनी पे कर देंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे, अदरवाइज़ आपकी पेमेंट आपको मंथली होती रहेगी। तो इस तरह से जब भी प्रोक्योरमेंट वालों को किसी कंट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है किसी सप्लायर से, वेंडर से, किसी पार्टी से, तो वो फिर उस लीगल डिपार्टमेंट को कंटेक्ट करते हैं या जो हायर किया होता है, आउटसोर्स किया होता है लीगल कोई लायर वगैरह, उससे कंटेक्ट करते हैं कि जी हमने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप इसकी जो भी प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में जो वर्डिंग है वो फॉर्मेट करके हमें दे दें। जो मोटे मोटे पॉइंट होते हैं वो प्रोक्योरमेंट वाले उन्हें बता देते हैं कि ये पार्टी है, ये उसका नेम पता एड्रेस है, ये हम है और ये अमाउंट डिसाइड हुई है, इस तरह की सर्विसेज लेनी है, उसमें ये चीज़ें शामिल है। तो अब इन सब चीज़ों को वो वकील फिर खुद ही जो लीगल लैंग्वेज होती है कि जी जो कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज होती है उसमें वो फॉर्मेट करके तो आपको एक एग्रीमेंट जो है प्रोवाइड कर देता है जिसको आप साइन करें और सप्लायर बायर दोनों साइन करते हैं और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लीगल डॉक्यूमेंट की जो है उस लायर के ऊपर है जिसको आपने हायर किया या जो आपके कंपनी में काम कर रहा है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी आपने उसके पास रख दी और उसने अपना काम अब खुद करना है। तो इस तरह से आप किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स को जिसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है उसको खुद प्रिपेयर ना करें, बल्कि या आपकी कंपनी में कोई बंदा होगा या फिर सर्विसेज किसी की हायर करें, वो कुछ अगर नहीं भी किसी को कोई आउटसोर्स किया तब भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट खुद केस टू केस कर सकता है कोई 5-10 हज़ार रुपये दे के जो भी फॉर्मेट होता है लीगल डॉक्यूमेंट का उसको किसी से करवा सकता है। तो इस तरह से आप इन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्रिपेयर करवा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या वो मैंने आपको बता दिया। होप फॉर द आंसर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।